आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड पाइप। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसका डायग्राम बनाना। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये होता है हमारा नोड और ये होता है हमारा एंटी नोड। जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे उसे हम कहते हैं नोड, और जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं एंटी नोड। तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है एल बाय फोर। तो हमारी लेमडा की वैल्यू हो गई 4L। हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्व टू एन लेमडा। वी इज इक्व टू एन वन, यहाँ पे एन वन इंटू लेमडा वन इंटू लेमडा वन हमारा आया 4L, तो एन वन हमारा आया V अपॉन 4L। ये हमारा दूसरा केस जहाँ पे दो बनते हैं। तो यहाँ जहाँ दोनों पॉइंट मीट करते हैं उसकी डिस्टेंस होती है लेमडा बाय टू, और ये आपने ये जो केस ये चीज़ बनी हुई है वो ही ये है। तो यहाँ की डिस्टेंस होती है लेमडा बाय फोर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय फोर इज इक्व टू 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 लेमडा प्लस लेमडा अपॉन फोर थ्री लेमडा बाय फोर। मतलब फिर हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं वी इज इक्व टू एन लेमडा, यहाँ एन टू और लेमडा टू, यहाँ पे हमारे वी टू। तो वी टू इज इक्व टू एन टू इंटू लेमडा टू की वैल्यू, ये हमारी एल डिस्टेंस हुई थ्री लेमडा बाय फोर। तो लेमडा की वैल्यू हुई 4L बाय 3। तो हम यहाँ पे लेमडा 2 की वैल्यू पुट करेंगे N2 टू इंटू 4L अपॉन 3। तो N2 हमारा जाता है 3V अपॉन 4L। ये हमारा तीसरा केस, केस थर्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है लेमडा बाय 2, लेकिन यहाँ तक की लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 4। तो टोटल हमारा आया 5 लेमडा बाय 4। हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये हमारे बराबर आई टोटल L। तो लेमडा की वैल्यू हम निकालेंगे 4L बाय 5 से। तो V3 इंटू इज इक्वल टू एन 3 इंटू 4L बाय 5, एन 3 इज इक्वल टू 5 वी 3 अपॉन 4। तो हमारा एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री का रिलेशन आया वी अपॉन फोर एल इज टू थ्री वी अपॉन फोर एल इज टू फाइव वी अपॉन फोर एल। ये हमारे कट गए, ये वन वी होगा, वी से गया वन इज टू थ्री इज टू फाइव, यही हमारा रेशियो होता है।